एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में 4 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति के दौरे को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सभी पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी के बारे में बताया गया। शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उससे सभी पुलिस कर्मियों को अवगत करवाया गया। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस के साथ जिले के बाहरी जिलों से फोर्स मंगवाई गई है, जिनके रुकने की व ड्यूटी करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी पुलिस कर्मियों व अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया है। इस अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, पुलिस अधीक्षक लाइन राहुल भाटी, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, प्रशिक्षु सीओ प्रशाली गंगवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, रामगढ़ ताल एरिया में जो चौकी है उसके पास के चौकी के पास के जो एरिया है वहाँ पे उनकी गाड़ी जो मेन गाड़ी है वो सब गाड़ियाँ रुक जाएंगी, और जो वहाँ से 20-30 कदम की दूरी जो बगल में खड़ी रहेगी इनकेस वो चाहे तो गोल्फ कार से उस लाइट एंड साउंड से स्थल पर जा सकते हैं, अदरवाइज वो पैदल चलना चाहे तो 20-30 कदम की दूरी पे ही है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ का सिटी प्लान भी पहले से भेजा जा चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए हल्के फुल्के रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था कराई गई है, उसमें चाय और कॉफी सारी चीजें और नारियल पानी सारा चीजें रहेंगी। ये प्रोग्राम है तो लगभग ये मान लीजिए कि ये शो 30 से 35 मिनट का हो सकता है। इस प्रोग्राम में छोटा सा वेरिएशन ये हो सकता है कि इनकेस वो लाइट एंड साउंड सुना देना चाहे हाउस आएंगे, सर्किट हाउस में फिर से उनका रात्रि का जो भोजन होता है डिनर है वो प्रस्तावित है जो कि पहले से उनकी मेन्यू आ चुका है हाउस में। अब सुबह उठने पे ब्रेकफास्ट लेने के बाद एक हम लोग की तरफ से एक कार्यक्रम प्रपोज किया गया, एक ग्रुप फोटोग्राफ का प्रोग्राम इसी एनएक्सी भवन के बाहर है सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, लगभग 20-30 अधिकारियों के साथ है। तो इसके बाद से वापस वो 12 बजे के आसपास आएंगे और सिर्फ प्लेन चेंज है, वहाँ MI हेलीकॉप्टर से अपने डीवीजे में लैंड करेंगे, डीवीजे को बोर्ड करेंगे और डीवीजे से वो वापस चले जाएंगे। माननीय राज्यपाल महोदय के साथ हमारे बैतरफ से लगे हैं, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी आ रहे हैं उनके साथ हमारे बैतरफ से लगे हुए हैं, तो सभी लाइजन अफसर उनसे एयरफोर्स में उनके आगमन के समय से उनके साथ रहेंगे और उनके प्रस्थान तक उनके साथ रहेंगे और माननीय राष्ट्रपति महोदय के ADC के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। तो ये पूरा अभी तक का जिला प्रशासन की तैयारी है और ये पूरा ये प्लान है राष्ट्रपति महोदय का और सभी तैयारियां सर्किट हाउस एनएक्सी भवन की आज रात तक सब पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद। के बारे में और पार्किंग और बूथ की जो व्यवस्था है उसके बारे में बात, और उसके बाद वहाँ सर्किट हाउस आएंगे फिर उनको ड्रॉप करके चले जाएंगे, फिर 5 तारीख की सुबह फिर से सर यहाँ आएंगे, प्रेसिडेंट साहब के साथ जाएंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से संत कबीरनगर जाएंगे, फिर वापस 5 तारीख को संत कबीरनगर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लौटेंगे एयरपोर्ट पर, फिर वहाँ से प्रेसिडेंट साहब आगे क्या प्रोग्राम बनता है इतना कार्यक्रम है। मेन बात यह है कि जो रूट में लगी चुकी है उनको जरा अलर्ट रहना होगा, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर तरीके से समझ लेंगे और बेहतर। बुकलेट को हमने 15 पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें पहला पार्ट में दिल्ली करंट में पूरा दिया हुआ है, सेकेंड में सर्किट हाउस की सारी व्यवस्था है की व्यवस्था, और पांचवें पार्ट में नौकायन रामगढ़ ताल की व्यवस्था अंकित है, इसके बाद रूट व्यवस्था और कंटिजेंसी व्यवस्था। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय 4 तारीख के लिए गोरखपुर हिलियर फोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे, वहाँ की ओवरऑल प्रभारी श्रीमती राकेश पुष्कर मैम हैं SP विजिलेंस लखनऊ, सभी अधिकारियों के बुकलेट में काल चैन भी दिए गए हैं, SP को सीरा नाम से पुकारा गया है, मैं उनका बालकैन सीरा एवं है, और अंदर इनर गार्डन के साथ में सहयोगी अधिकारी और बी फिल्म के सहयोगी अधिकारी
अंजनी कुमार राज साहब है, श्री शशिपुर अगर आए हो तो कृपया हाथ उठा देंगे। अंजनी कुमार राज साहब श्री शशिपुर जंगल नौ वी आई पी से मौजूद होंगे, नोट करते रहिएगा, जो अधिकारी नहीं है उनसे टेलीफोन से बात कर लीजिएगा जी। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के जनपद के आगामी कार्यक्रम के संबंध में समस्त पुलिस बल की प्रेक्षा गृह में ब्रीफिंग की गई है, जिसमें कि महत्वपूर्ण ड्यूटियों के बारे में बताया गया और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनसे उनको अवगत कराया गया है। ये कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करवाने के लिए जनपद से और आसपास के जनपदों से भारी संख्या में पुलिस बल आया है, जिनको रुकने की और ड्यूटी करने की सकुशल व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में ब्रीफिंग की गई और सभी से फीडबैक भी लिया गया है।